आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर रिजर्व कैटेगरी एम्पावरमेंट अलायंस की तरफ से की जा रही है, जिसमें हमारे कुछ अहम मसले हैं वो आपके माध्यम तक हम गवर्नमेंट तक पहुंचाना चाहते हैं। जिसमें सबसे पहला मसला तो यही है कि अक्टूबर 2015 से लेकर अभी तक जो हमारा रिस्टोरेशन ऑफ रिजर्वेशन का जो मसला है, अभी तक गवर्नमेंट ने हमारे फेवर में कोई जो है वो बात नहीं की है। हमने एज ए प्राइवेट पार्टी जो है स्टेटस को लाया, इंटरम स्टेल ऑर्डर लाया और उसके बाद हमारा प्रेसिडेंशियल ऑर्डर भी आता है, लेकिन उस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का भी बीच में ही वो हमारा दोनों का इकट्ठा ऑर्डर आता है, लेकिन वो जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का है वो इम्प्लीमेंट हो जाता है, हमारा अभी तक नहीं हुआ है। और दूसरा, जेके ड्यूटी जब से बनी है, तो जब से जेके ड्यूटी बनी है जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, जो उन्होंने हमारे साथ जो हमें बड़े बड़े सपने दिखाए थे कि 370 हटने के बाद जो एससी एसटी ओबीसी की जो स्थिति है वो टोटल वो चेंज होगी, लेकिन अभी तक हमें ग्राउंड पे वो देखने को नहीं मिला है। और हमें ऐसा लगता है कि जेके ड्यूटी हटने के बाद हमें बहुत सारा नुकसान हुआ है। जो उन्होंने ये नारे दिए थे कि सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास होगा, साथ तो हमने उनका दिया, लेकिन विकास जो है वो अभी तक नहीं हुआ। और दूसरा, उन्होंने कहा था कि अगर पीएम मोदी साहब हैं तो सब कुछ मुमकिन है, मुमकिन जो है वो क्या है हमें नहीं मिला अभी तक। अगर जेके ड्यूटी बनने के साथ जो हमारा बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं वो यहाँ पे लागू होते हैं, लेकिन जैसे एससी एसटी एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट जो है वो एक्सटेंड हो गया है जेके ड्यूटी में, लेकिन ग्राउंड पे वो अभी तक लागू हमें कहीं भी नहीं मिला है। वो हम ये गवर्नमेंट को पूछना चाहते हैं कि कहाँ पे अड़चन आ रही है कि एससी एसटी जो प्रिवेंशन एक्ट है वो क्यों अभी तक लागू नहीं हुआ है, क्योंकि जेके ड्यूटी बनने के बाद जो एट्रोसिटी का ग्राफ है वो बड़ा है। तो अगर ग्राफ बड़ा है तो ये जो एक्सटेंड हुआ हमारा ये एक्ट वो क्यों लागू नहीं हुआ है। दूसरा जो है मंडल कमीशन रिपोर्ट जो है वो अभी तक वो भी यहाँ पे एक्सटेंड तो हो गई है, लेकिन अभी तक उनको बेनिफिट जो है उनको नहीं मिले हैं। हम ये आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि जैसे एससी स्टेटस है, आपके माध्यम से ही हमें सुनने को मिला है कि एससी स्टेटस को भी डाइल्यूट करने जा रहे हैं। इसमें 12-13 बरादरियां हैं, 12-13 बरादरियां जो उनको बेनिफिट मिलता था, आज इन्होंने क्या कहा है कि जो पहाड़ी स्पीकिंग बोलने वाले लोग हैं उनको बीच में इंक्लूड किया जा रहा है। ये सीधी सीधी क्लियर कट है कि उनका जो हक है वो उनको खत्म करने की जो है वो एक पूरी सोची समझी चाल है। और दूसरी जो है जैसे हमारा एससी को कुछ बेनिफिट मिलते थे, जैसे स्कॉलरशिप का है, वो इतना लो स्पीड में हमें उसका बेनिफिट मिल रहा है कि हमारी जो स्कीमें हैं जो शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स की आप कहो, तो उनको वो बेनिफिट जो है अभी तक हमें नहीं मिल रहे हैं। और जो हमारा वाल्मीकि समाज है, वाल्मीकि समाज की स्थिति जो है वो बिल्कुल एकदम खराब है, क्योंकि जब वो यहाँ पे आए थे तो वो एक फैमिली थी, आज वही फैमिली जो है वो 4 या 5 या 6 जगह हो गई है। अब उनको 2 मरले में 3 मरले में अपना गुजारा करना बड़ा मुश्किल है। तो हम आपके माध्यम से यही डिमांड करना चाहते हैं कि हमारे पास इतनी स्टेट लैंड पड़ी है तो क्यों ना उनको 1-1 कुंभे को 7 या 8 या 9 एक एक कुंभे को दी जाए, ताकि अपनी जिंदगी वो अच्छी तरह से सर्वाइव कर सके। और बदकिस्मत ये है कि ये जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, ये किस नजर से किस सोच से ऐसे ऐसे कानून हमारे ऊपर थोपे जा रहे हैं। अभी आपके कुछ दिन पहले ही पहला नंबर तो बाई छापे वो धड़ल्ले से खुली, कि कितना लोगों ने उसका हल्ला गुला किया लेकिन उन्होंने खोल दी। दूसरा जो है हमें नया ऑर्डर जो उन्होंने निकाला है कि जो डिपार्टमेंटल स्टोर है वहां पे जो चिल्ड जो है वो बेर मिलेगी, लेकिन ये हमें ये समझ नहीं आ रही कि जो हमारी जनरेशन है इस जनरेशन को ये कहां लेके जाएंगे। अगर जो आम दुकानों पे, ये बात सच है कि मेरे भाई साहब बोल रहे थे प्रधान जी, अगर जो बंदा 2 किलोमीटर जाता था अपनी ये वाइन लेने के लिए या बियर लेने के लिए, और उसके बिल्कुल दरवाजे के सामने खुली है या उसके इर्द गिर्द खुली है,
तो वो एक के बजाय दो लेना शुरू कर देगा। हम इसको भी बड़े जोर से कंडेम करते हैं कि ऐसे जो हमारे ऊपर ऑर्डर जो है खोपे जा रहे हैं। बाकी हमारे जो पिछले दिन जितने पार्लियामेंट मेंबर आए, जितने हमारे जैसे इलेक्शन कमीशन आया, एससी एसटी कमीशन आया, हमने सबके साथ अपनी जो रोना है वो उनके साथ साझा किया कि हमारी तकलीफें जे जे हैं, लेकिन वो सुनते हैं लेकिन उसको ग्राउंड पे जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। अभी जितने भी हमारे एलजी रहे हैं हमने सबके साथ अपनी जो है ये जो समस्या है वो साझा की है, लेकिन हमारे फेवर में आज दिन तक कभी भी इन्होंने कोई बात नहीं की है। अभी जो मौजूदा हमारे एलजी साहब हैं, जैसे मेरे साथी कह रहे थे कि जो एक या दो बंदा डेलीगेशन लेके जाता है उनको टाइम दे देते हैं, और एससी एसटी ओबीसी इतना बड़ा जो है ये कंपोनेंट है और ये रजिस्टर्ड हमारी एक बॉडी है, वो हमने इनको कितने दफा बोला कि हमें टाइम दिया जाए, तो 7-8 महीने हमें टाइम पहले दिया था और हम 4 बंदे गए थे और 4 बंदों ने जो अपनी बात रखी थी उनके सामने और उन्होंने बिल्कुल ब्रीफ से उसको पढ़ा और हमें सुना, और सुनने के बाद उन्हें हमें ये आश्वासन दिया कि जितने भी आपने डिमांड हमारे साथ साझा किए हैं ये बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल है और आपको आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, वो विद इन 10 डेज हम आपको दोबारा कॉल करेंगे और आपका इस मसले को हम कोई ना कोई इसका हल हम निकालेंगे। लेकिन बदकिस्मती ये है कि अभी तक उसके ऊपर बिल्कुल कोई भी हमें जो रिस्पांस जो है वो नहीं मिला है। तो हम आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि एलजी साहब आप किसी एक कंपोनेंट के एलजी साहब नहीं है, हम भी इस मतलब ये के ड्यूटी के बसिंदे हैं, हमारी भी समस्याएं जो है वो समस्याएं हैं, उनको इतना लाइटली मत लो, इन लोगों को मजबूर मत करो, इनका इतना बड़ा एग्जाम जो है टेस्ट मत लो, अदरवाइज जो एक दुखी इंसान होता है जो दुखी कंपोनेंट होता है, तो अगर आप हमारी बातें नहीं सुनोगे हमारी समस्याएं नहीं सुनोगे तो आप समझ सकते हैं इसके जो रिजल्ट है वो कुछ भी हो सकते हैं। तो इसी के साथ जय भीम जय भारत।